किया और नीचे मैंने एक स्लोगन पढ़ा, मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव, मेरी जन्मभूमि। मेरे गांव के प्रति जितना मुझे अभिमान है, मुझे लगता है कि अगर मैं अपना जीवन भी अर्पित करूं तो शायद अपने गांव के लिए कम होगा। मुझे बहुत से अवार्ड्स प्राप्त हुए जिंदगी में, हमेशा मुझे इस बात की खुशी रही कि 2002-2003 में मुझे महाराष्ट्र शासन ने बेस्ट टीचर से ये सम्मानित किया। लेकिन आज मैं अगर आपको बोलूं, जो मुझे वर्सोवा सम्मान दिया गया, जिसमें मेरे प्यार भरे गांव ने मेरे से ये जो प्यार दिया, ये सिर्फ सम्मान ही नहीं, ये उनका प्यार है, उनका आदर है मेरे प्रति। ये सम्मान चिन्ह ये सिर्फ मेरे शिक्षण क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि मेरे सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। तो जो अभिमान मुझे शिक्षक अवार्ड मिलने के टाइम पे हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा आज मुझे हुआ है। मेरा गांव जब प्यार देता है तो दिल खोल कर प्यार देता है, वो कोई भेदभाव नहीं करता है। और यकीन जानिए कि कोली जमात शब्द दिया है तो उसके लिए अगर उनका प्राण भी चले जाए वो शब्दों से पीछे नहीं हटते हैं। और यकीन जानिए कि प्यार करने के वक्त वो अपना जान भी निछावर कर सकते हैं, ऐसा है मेरा गांव। और अगर मैंने कहा कि मेरे गांव के लिए आधी रात को भी मेरी जरूरत होगी और मेरी जान की भी जरूरत होगी, मेरा गांव के लिए अगर मैंने अपनी जान भी दी तो शायद कम होगा। और मुझे इसी प्यार के साथ आप लोग हमेशा सम्मानित करेंगे। 16 साल वर्सोवा कोली सी फूड फेस्टिवल आप लोगों ने शुरू रखा, बहुत से लोगों ने इसमें बहुत योगदान दिया और आज तक के कार्यक्रम एक इतिहास है जो पूरा महाराष्ट्र भर देखता है। और मेरी शुभकामना है, और इसी प्रकार से आप अपने ट्रेडिशंस कल्चर जो आप प्रस्तुत करते हैं ये कायम रखेंगे, मेरी शुभकामना है एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। 45 सालों का कार्य जो बिना स्वार्थ मैंने किया है कि अगर लांछन लगाने से अगर मिट जाएगा, मुझे लगता है कि जो 45 साल मैंने जो सामाजिक कार्य किया है वो बेकार है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जहाँ मेरी पैदाइश हुई है, जो मेरी जन्मभूमि है, वहाँ के लोगों का प्यार सम्मान आज आपने देखा कि पूरा गांव जब हम कहते हैं कि जितनी सारी सोसाइटी है, उन्होंने आज मुझे आदर सम्मान दिया है और वर्सोवा सम्मान से मुझे उन्होंने सम्मानित किया है। तो ये प्यार और सम्मान दिया गया है, मुझे नहीं लगती है उनके दिल में से उन्होंने, उनके दिल के प्रति उन्होंने मुझे दिया है। और जब हम लोगों के दिल में बसे हुए हैं तो आप मुझे लोगों के दिल से कैसे दूर करोगे? आप मेरे को बदनाम कर सकते हो लेकिन दिल से दूर नहीं कर सकते। सर यहाँ पे एकता भी दिखी हमें, जैसे एकता मंच आपका फाउंडेशन भी है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा पूरे सब लोगों की एकता दिखी, ना सिर्फ कोली समाज लेकिन सभी लोग यहाँ पर आए हैं फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको समर्थन करने के लिए। एकता के लिए और एकता के काम के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि मैंने मेरी पूरी जिंदगी एकता और एकता के काम के लिए बिताई। सर क्या मैसेज होगा जो वर्षों आपले सर्वांना सुरू आहे की वेगवेगळ्या कोळीवाड्याच्या निमित्तानं प्रत्येक ठिकाणी एक अधिष्ठान असतं, या अधिष्ठानाला कोळी समाज आगरी समाज कायम शिरसावंत मानत राहतो आणि त्याची पूजा करत राहतो। आपण जर वरळीच्या कोळीवाड्यात गेलं तर तिथे आपल्याला गोंफा देवी दिसते आणि वर्सोवाच्या किनाऱ्यावरती आलो तर तिथे आपल्याला आई हिमालयी देवी दिसते। प्रत्येक किनाऱ्यावरती कुठली ना कुठली तरी आई माऊली वसलेलीच आहे, ही आपल्या सर्व कोळी बांधवांच्या रक्षणासाठी आई हिमालयी देवी सतत प्रसन्न मुखानं या कोळी समाजाचं रक्षण करेल अशी आख्यायिका पुरातन काळापासून चालत आलेली आहे। जाळ्यामध्ये सापडलेली ही देवी आपल्या सर्वांचं रक्षण करेल आणि तिच्या साऱ्या आशीर्वादाने आपल्या संसारात सुख लाभेल असा उद्घाटन केलं कसं वाटतं?